अमिताभ बच्चन की जीवनी। अमिताभ बच्चन जन्म 11 अक्टूबर 1942 को अमिताभ श्रीवास्तव एक प्रतिष्ठित भारतीय अभिनेता हैं, जिन्होंने 5 दशकों से अधिक समय तक हिंदी सिनेमा में काम किया है। उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे निपुण और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है, जिन्हें अक्सर बॉलीवुड का शहंशाह या मिलेनियम का सितारा कहा जाता है। वह 1970 के दशक में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्मों से स्टारडम की ओर बढ़े, जिसमें उन्होंने स्क्रीन पर एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है और 1970 से 1980 के दशक तक डॉन, कुली और शराबी जैसी शीर्ष कमाई वाली समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में लगातार अभिनय किया है। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 16 फिल्म फेयर पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित कई सम्मान जीते हैं। अभिनय के अलावा उन्होंने पार्श्व गायक, निर्माता और टीवी होस्ट के रूप में काम किया है और 1980 के दशक में कुछ समय के लिए राजनीति में प्रवेश किया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप और दुनिया भर में दक्षिण एशियाई प्रवासियों के बीच उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1969 में फिल्म भुवन शोम में एक आवाज की भूमिका के साथ की थी। उनकी पहली अभिनय भूमिका 1969 में फिल्म साथ हिंदुस्तानी में थी। परवाना, रेशमा और शेरा और संजोग जैसी उनकी शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। वह तब तक संघर्ष कर रहे थे जब तक लेखक सलीम जावेद ने उन्हें 1973 की फिल्म जंजीर में नहीं लिया। जंजीर में बच्चन ने एक एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया, जो उस समय एक नई तरह की भूमिका थी। इस फिल्म ने उनकी प्रतिष्ठित एंग्री यंग मैन छवि स्थापित की और उन्हें स्टार बना दिया। सलीम जावेद ने बच्चन के एंग्री यंग मैन व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए दीवार और शोले जैसी कई फिल्में लिखी। अन्याय से लड़ने वाले एक दलित व्यक्ति का उनका चित्रण 1970 के दशक के भारत के युवाओं को प्रभावित करता था। उनके शुरुआती करियर की अन्य हिट फिल्मों में नमक हराम शामिल है, जहां उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एक और पुरस्कार जीता। 1974 में रोटी कपड़ा और मकान और मजबूर जैसी फिल्में भी सफल रहीं। इसलिए शुरुआती संघर्षों के बाद सलीम जावेद की एंग्री यंग मैन भूमिकाओं ने अमिताभ बच्चन को 1970 के दशक की शुरुआत में सुपरस्टार बना दिया। 1975 में बच्चन ने ब्लॉकबस्टर फिल्मों दीवार और शोले में अभिनय किया, जिसने उनकी एंग्री यंग मैन छवि और सुपरस्टार का दर्जा मजबूत किया। दीवार एक क्राइम ड्रामा थी और शोले एक एक्शन फिल्म थी, दोनों सलीम जावेद द्वारा लिखी गई थी। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने रोमांटिक ड्रामा कभी कभी 1976, अमर अकबर एंथोनी 1977 जैसी कई हिट फिल्में दी, जिसके लिए उन्होंने अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता और ब्लॉकबस्टर डॉन 1978, जहां उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई। भूमिका 1978 उनका सबसे सफल वर्ष था, जिसमें मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल और डॉन जैसी 6 बैक टू बैक हिट फिल्में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। डॉन के लिए उन्होंने 2रा फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। इस अवधि के दौरान अन्य प्रमुख हिट फिल्मों में सुहाग 1979, काला पत्थर 1979, दोस्ताना 1980, शान 1980, नसीब 1981, लावारिस 1981 और शक्ति 1982 शामिल हैं। उन्होंने महान 1983 में 3 भूमिकाएं निभाई, हालांकि यह सफल नहीं रही। 1984 से 1987 के उनके संक्षिप्त राजनीतिक करियर के बावजूद उनकी अन्य रिलीज जैसे कुली 1983, शराबी
1984 और मर्द 1985 ब्लॉकबस्टर रहीं। इसलिए अपनी गहन अभिनय शैली और आम आदमी के गुस्से को चित्रित करने वाली भूमिकाओं के साथ बच्चन ने 1970 और 1980 के दशक में कई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में देकर बॉक्स ऑफिस पर दबदबा बनाए रखा। 1982 में फिल्म कुली के लिए एक एक्शन सीन फिल्माते समय अमिताभ बच्चन को बहुत गंभीर चोट लगी। एक लड़ाई के दृश्य के दौरान उन्हें मेज पर गिरना था, लेकिन मेज का कोना उनके पेट पर जोर से लगा, जिससे आंतरिक क्षति हुई और उनकी तिल्ली फट गई। उनका बहुत सारा खून बह गया और कई महीनों तक अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार रहे। कभी कभी तो उनकी मृत्यु तक हो जाती थी। अस्पताल के बाहर उनके ठीक होने की दुआ करने वाले प्रशंसकों की लंबी कतारें लगी थी। निर्देशक को कुली का अंत बदलना पड़ा ताकि मूल योजना के अनुसार बच्चन का चरित्र खत्म होने के बजाय जीवित रहे। जब महत्वपूर्ण लड़ाई का दृश्य आता है तो फुटेज एक कैप्शन के साथ रुक जाता है, जिसमें बच्चन की वास्तविक जीवन की चोट का उल्लेख होता है। कठिन परीक्षा के बावजूद कुली 1983 में रिलीज हुई और उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई, आंशिक रूप से बच्चन की दुर्घटना के आसपास प्रचार के कारण। इस लगभग घातक घटना के बाद बच्चन को मायस्थेनिया ग्रेविस नामक एक ऑटोइम्यून बीमारी का पता चला, जिससे उनमें कमजोरी आ गई और उन्हें अपनी भविष्य की फिल्म रिलीज के सफल होने के बारे में संदेह होने लगा। 1984 से 1987 तक राजनीति में शामिल होने के लिए अभिनय से ब्रेक लेने के बाद बच्चन ने 1988 में हिट फिल्म शहंशाह के साथ वापसी की। हालांकि उनकी स्टार पावर कम होने लगी, क्योंकि उनकी अगली कुछ फिल्में जैसे जादूगर, तूफान और मैं आजाद हूं असफल रहीं। 1989 में बॉक्स ऑफिस, 1990 में आज का अर्जुन से उन्हें कुछ सफलता मिली और 1991 में हम के लिए अपना तीसरा फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता। लेकिन यह सफलता अल्पकालिक थी, क्योंकि उन्हें बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप फिल्में मिलती रहीं। हिट फिल्मों की कमी के बावजूद उन्होंने 1990 की प्रतिष्ठित फिल्म अग्निपथ में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने एक शक्तिशाली माफिया का किरदार निभाया था। 1992 में खुदा गवाह की रिलीज के बाद, जिसे समीक्षकों द्वारा सराहा गया लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सफलता नहीं मिली, बच्चन ने अभिनय से 5 साल का अर्ध सेवानिवृत्ति ब्रेक लिया। 1994 में देरी से रिलीज हुई इंसानियत की फ्लॉप फिल्म को छोड़कर वह 1996 तक किसी भी नई फिल्म में नजर नहीं आए। इसलिए 1988 में राजनीति के बाद उनकी वापसी से लेकर 1992 तक बच्चन का करियर असंगत दौर से गुजरा, जिसमें हिट से ज्यादा फ्लॉप फिल्में रहीं। इससे पहले कि उन्होंने 1990 के दशक के मध्य में अभिनय से 5 साल का विश्राम लिया। 1990 के दशक के मध्य में अभिनय से अपनी अस्थायी सेवानिवृत्ति के दौरान बच्चन निर्माता बन गए और 1996 में अपनी खुद की कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL शुरू की। ABCL का लक्ष्य फिल्मों, टीवी शो और संगीत एल्बम का निर्माण करना और सेलिब्रिटी कार्यक्रमों का प्रबंधन करना था। ABCL द्वारा निर्मित पहली फिल्म 1996 में तेरे मेरे सपने थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। हालांकि जब बच्चन ने ABCL की 1997 की फिल्म मृत्युदाता से अभिनय में वापसी करने की कोशिश की, तो यह बुरी तरह विफल रही। 1996 की मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता को प्रायोजित करने के बाद ABCL को भी नुकसान का सामना करना पड़ा। अधिक वेतन पाने वाले प्रबंधकों और कानूनी परेशानियों के कारण ABCL 1997 में आर्थिक रूप से ढह गई और उसे एक असफल कंपनी घोषित कर दिया गया। अदालत ने बच्चन को ऋण वसूली मामलों का निपटारा होने तक अपनी संपत्ति बेचने से रोक दिया था, क्योंकि उन्होंने ABCL के लिए धन जुटाने के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था।
अभिनय में पुनरुत्थान का प्रयास करते हुए बच्चन को बड़े मियां छोटे मियां 1998 जैसी फिल्मों से कुछ सफलता मिली और सूर्यवंशम 1999 के लिए प्रशंसा मिली। लेकिन लाल बादशाह और हंगामा जैसी अन्य रिलीज बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। इसलिए जब उनकी कंपनी एबीसीएल विफल हो गई, तब बच्चन ने अपने विश्राम काल के बाद 1990 के दशक के अंत में कुछ हिट और कुछ फ्लॉप फिल्मों के साथ आंशिक रूप से अभिनय में वापसी की। 2000 में बच्चन ने हिट फिल्म मोहब्बतें के साथ सफल वापसी की और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। अगले कुछ वर्षों में उन्होंने कभी खुशी कभी गम, बागबान, खाकी और वीरजारा जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों में बुजुर्ग परिवार के मुखिया की भूमिकाएं निभाई। ब्लैक 2005 में एक बधिरंध लड़की के शिक्षक के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का चौथा फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। इस पुनरुत्थान के कारण उन्हें कई उत्पादों का समर्थन करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 2000 के दशक के अंत में बंटी और बबली, सरकार, चीनी कम और पा जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। पा, जहां उन्होंने एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित अपने ही बेटे के किशोर बेटे की भूमिका निभाई, ने उन्हें तीसरा राष्ट्रीय पुरस्कार और पांचवां फिल्म फेयर पुरस्कार दिलाया। 2010 में उन्होंने द ग्रेट गैट्सबी से हॉलीवुड में डेब्यू किया। पीकू, पिंक और 102 नॉट आउट जैसी फिल्में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रमुख सफल रहीं। पीकू और पिंक ने उन्हें क्रमशः चौथा राष्ट्रीय पुरस्कार और तीसरा फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिलाया। उनकी बाद की हिट फिल्मों में बदला, झुंड, रनवे 34 और उनकी पहली तेलुगु फिल्म सईरा नरसिम्हा रेड्डी शामिल है। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी विभिन्न शैलियों में अभिनय जारी रखा है। कुल मिलाकर 2000 के बाद शुरुआती शांति के बाद बच्चन ने नई सहस्राब्दी में बहुमुखी प्रदर्शन के लिए कई राष्ट्रीय और फिल्म फेयर पुरस्कार जीतकर खुद को एक सम्मानित अभिनेता के रूप में फिर से स्थापित किया। 2000 में बच्चन ने गेम शो हू वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के भारतीय संस्करण की मेजबानी शुरू की, जिसे कौन बनेगा करोड़पति केबीसी कहा जाता है। यह शो बहुत लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में केबीसी के कई सीजन की मेजबानी की। 2000 में सीजन 1, 2010 से शुरू होने वाला सीजन 4, 2011 में सीजन 5 जिसने दर्शकों की संख्या के रिकॉर्ड तोड़ दिए और 2012 में सीजन 6 जिसे अब तक सबसे अधिक दर्शक मिले। 2009 में उन्होंने रियलिटी शो बिग बॉस के तीसरे सीजन की मेजबानी की। 2014 में बच्चन ने सोनी टीवी श्रृंखला युद्ध में एक परेशान व्यवसायी की मुख्य भूमिका निभाकर अपना काल्पनिक टेलीविजन डेब्यू किया। कौन बनेगा करोड़पति बच्चन का सबसे बड़ा टेलीविजन कार्यकाल रहा है। उन्होंने दो दशकों में प्रतिष्ठित गेम शो के कई सीजन की मेजबानी की और मेजबान के रूप में अपनी लोकप्रियता और आकर्षण के साथ इसे एक बड़ी सफलता दिलाई। केबीसी के अलावा वह भारत में कुछ अन्य गैर काल्पनिक टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए मेजबान प्रस्तोता के रूप में भी दिखाई दिए हैं। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता अमिताभ बच्चन को फिल्म उद्योग में उनके असाधारण योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उनकी कुछ उल्लेखनीय प्रशंसाओं में शामिल हैं। 1991 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, यह सम्मान पाने वाले वह पहले कलाकार बने। 2000 में फिल्म फेयर पुरस्कारों में मिलेनियम के सुपरस्टार। 2001 में मिस्र में अलेक्जेंड्रिया अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सदी के अभिनेता का पुरस्कार। भारत सरकार की ओर से 1984 में पद्मश्री, 2001 में पद्म भूषण, 2015 में पद्म विभूषण और 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला। 2003 में फ्रांसीसी शहर ड्यूविल की मानद नागरिकता। 2007 में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर।
1991 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति की ओर से अफगानिस्तान का आदेश। 2002 से 2003 के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान। ये पुरस्कार और सम्मान बच्चन के उत्कृष्ट करियर और भारतीय सिनेमा पर महत्वपूर्ण प्रभाव को मान्यता देते हैं। 1994 में बच्चन ने इवेंट मैनेजमेंट, फिल्म निर्माण और वितरण के लिए अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL नामक अपनी कंपनी शुरू की। हालांकि फ्लॉप फिल्मों और उसके द्वारा आयोजित मिस वर्ल्ड 1996 कार्यक्रम के कारण ABCL को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके कारण ABCL दिवालिया हो गई। इस अवधि के दौरान बच्चन लगभग दिवालिया हो गए। इस झटके के बाद बच्चन ने हाल के वर्षों में कुछ सफल निवेश किए हैं। 2013 में उन्होंने जस्ट डायल कंपनी में 10% हिस्सेदारी खरीदी, जिससे उन्हें बहुत अधिक रिटर्न मिला। उनके पास स्टैम्पेड कैपिटल, एक वित्तीय टेक फर्म, और मेरिडियन टेक, एक अमेरिकी परामर्श फर्म जैसी कंपनियों में भी शेयर हैं। उनके परिवार ने अपना पहला विदेशी निवेश Jiddu.com नामक क्लाउड प्लेटफॉर्म में किया है। हालांकि बच्चन का नाम लीक हुए पनामा पेपर्स और ऑफशोर निवेश से संबंधित पैराडाइज पेपर्स में भी सामने आया था, इसलिए जब उनका पहला व्यावसायिक उद्यम ABCL विफल हो गया, तब बच्चन ने बाद के वर्षों में विभिन्न कंपनियों में समझदारी से निवेश किया। हालांकि उनका नाम पनामा पेपर्स विवाद में भी सामने आया। 1984 में बच्चन ने कुछ समय के लिए राजनीति में प्रवेश किया और अपने मित्र राजीव गांधी के समर्थन में इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ा। उन्होंने भारी मतों के अंतर से चुनाव जीता। हालांकि 1987 में उनके भाई के बोफोर्स घोटाले में शामिल होने की अफवाहें थी। हालांकि उनके भाई ने इस पर एक स्वीडिश अखबार के खिलाफ केस जीत लिया, लेकिन बच्चन ने 1987 में अपनी संसदीय सीट से इस्तीफा दे दिया। बाद में आर्थिक संकट के दौरान उनके मित्र अमर सिंह ने उनकी मदद की। इसके बाद बच्चन ने अमर सिंह की समाजवादी पार्टी का समर्थन करना शुरू कर दिया। इस पार्टी से उनकी पत्नी जया सांसद बनी। बच्चन विज्ञापनों में खुद को पार्टी के लिए एक किसान के रूप में चित्रित करते हुए दिखाई दिए, जिस पर अदालत में सवाल उठाए गए। उन पर 1984 के दंगों के दौरान खून के बदले खून नारे के माध्यम से सिखों के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया था। इस आरोप को लेकर 2014 में उन्हें अमेरिका की एक अदालत ने समन भेजा था। बच्चन राजीव गांधी फाउंडेशन के ट्रस्टियों में से एक भी थे। कुल मिलाकर उनकी राजनीतिक भागीदारी मुख्य रूप से 1980 के दशक और उसके बाद कुछ समय के लिए गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। यहाँ सरल अंग्रेजी में मानवीय और सामाजिक कार्यों में अमिताभ बच्चन की भागीदारी का सारांश दिया गया है। बच्चन ने आंध्र प्रदेश, विदर्भ और बिहार जैसे राज्यों में किसानों के कर्ज को चुकाने में मदद के लिए धन दान किया है। उन्होंने एक चिकित्सा केंद्र के निर्माण, एक मृत पुलिसकर्मी के परिवार की मदद और सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए भी धन दान किया है। वह 2002 से भारत में पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ सद्भावना राजदूत और बाद में एक अंतर्राष्ट्रीय राजदूत रहे हैं। 2017 में वह हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए WHO के सद्भावना राजदूत बने। बच्चन और उनके परिवार ने वंचित लड़कियों के कल्याण के लिए काम करने वाले धर्मार्थ ट्रस्टों और महाराष्ट्र पुलिस कोष को धन दान किया है। उन्होंने बाघ संरक्षण और एक उत्पीड़ित हाथी को मुक्त कराने के अभियानों का समर्थन किया। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित HIV/AIDS शिक्षा सॉफ्टवेयर को अपनी आवाज और छवि प्रदान की। बच्चन स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और इसे बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों में नजर आए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान
उन्होंने स्वयं संक्रमित होने से पहले सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों को बढ़ावा देने में मदद की। बाद में उन्होंने कोविड राहत के लिए ऑक्सीजन सांद्रक और धनराशि दान की। कुल मिलाकर बच्चन ने मौद्रिक योगदान और जागरूकता को बढ़ावा देने के माध्यम से किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, संरक्षण और स्वच्छता अभियानों से संबंधित सामाजिक कारणों का बड़े पैमाने पर समर्थन किया है। बच्चन की शादी 1973 से अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुई है। उनके दो बच्चे हैं, बेटा अभिषेक जो एक अभिनेता और निर्माता है और बेटी श्वेता जो एक लेखक और पूर्व मॉडल है। अभिषेक ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से शादी की है और उनकी आराध्या नाम की एक बेटी है। श्वेता की शादी कपूर परिवार के बिजनेसमैन निखिल नंदा से हुई है और उनकी एक बेटी नव्या और एक बेटा अगस्त्य है। बच्चन के छोटे भाई अजिताभ भारत में स्थित एक व्यवसायी हैं। अजिताभ की पत्नी रमोला एक फैशन डिजाइनर थी। उनका एक बेटा भीम और नैना सहित तीन बेटियां हैं, जिनकी शादी अभिनेता कुणाल कपूर से हुई है। 1970 से 80 के दशक में बच्चन के अभिनेत्री रेखा के साथ अफेयर होने की लंबे समय से अफवाहें थी, जब उन्होंने कई फिल्मों में एक साथ काम किया था, हालांकि दोनों ने इससे इनकार किया था। नवंबर 2023 में बच्चन ने अपनी बेटी श्वेता को 50 करोड़ रुपए का प्रतीक्षा नाम का बंगला उपहार में दिया था। बच्चन परिवार, जिसमें उनके बच्चों के जीवन साथी और पोते पोतियां शामिल हैं, मुंबई में स्थित है और भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रमुख परिवारों में से एक है। अंत में अमिताभ बच्चन की जीवनी भारतीय सिनेमा में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की यात्रा को दर्शाती है, जिनके 5 दशकों से अधिक के शानदार करियर ने उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपनी विनम्र शुरुआत और शुरुआती संघर्षों से लेकर बॉलीवुड के शहंशाह बनने तक बच्चन की कहानी लचीलेपन, प्रतिभा और स्थायी लोकप्रियता में से एक है। 1970 के दशक में जंजीर और दीवार जैसी मौलिक फिल्मों में एंग्री यंग मैन के आदर्श चित्रण से प्रेरित होकर बच्चन के स्टारडम में जबरदस्त वृद्धि हुई, जिसने भारतीय सिनेमा के परिदृश्य को नया आकार दिया। स्क्रीन पर उनकी दमदार उपस्थिति और दमदार अभिनय ने उन्हें पीढ़ियों तक दर्शकों का चहेता बना दिया और एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। अपने पूरे करियर में एक अभिनेता के रूप में बच्चन की बहुमुखी प्रतिभा भूमिकाओं के बीच सहजता से परिवर्तन करने की उनकी क्षमता में स्पष्ट थी, चाहे वह एक चिंतनशील विरोधी नायक के रूप में हो या एक परोपकारी पितामह के रूप में। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अभिनय से परे पार्श्व गायक, निर्माता और टेलीविजन होस्ट के रूप में उनके प्रयासों तक फैला हुआ है। कुली के फिल्मांकन के दौरान लगभग घातक चोट और उनकी कंपनी ABCL की वित्तीय उथल पुथल जैसी असफलताओं का सामना करने के बावजूद बच्चन के अटूट दृढ़ संकल्प और अपनी कला के प्रति जुनून ने उन्हें आगे बढ़ाया। ब्लैक, पीकू और पिंक जैसी फिल्मों में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन के साथ नई सहस्राब्दी में उनके पुनरुत्थान ने उनकी स्थायी प्रासंगिकता और प्रतिभा को रेखांकित किया। मनोरंजन के दायरे से परे बच्चन के परोपकारी प्रयास और सामाजिक मुद्दों की वकालत समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने की उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है। किसानों और स्वास्थ्य देखभाल पहलों का समर्थन करने से लेकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने और सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने तक बच्चन के मानवीय प्रयास हाशिए पर पड़े लोगों के उत्थान के लिए उनकी करुणा और समर्पण को दर्शाते हैं। व्यक्तिगत मोर्चे पर बच्चन के पारिवारिक बंधन और स्थायी विरासत ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में उनके योगदान के महत्व को रेखांकित करती है। उनके साथ एक सहयोगी परिवार और समर्पित प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या के साथ बच्चन का प्रभाव सीमाओं को पार कर जाता है, जिससे एक स्थायी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो जाती है। संक्षेप में, अमिताभ बच्चन की जीवनी प्रतिभा, दृढ़ता और करुणा की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है।
चूंकि वह अपनी सिनेमाई प्रतिभा और परोपकारी प्रयासों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखते हैं, बच्चन की विरासत भारतीय सिनेमा के इतिहास में अंकित है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है।